देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। नमस्कार, आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी को आपने पैसा उधार में दिया है वो वापस नहीं कर रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही आप लोगों के सवाल लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है तो उनके सवाल शामिल करेंगे। जिनका सवाल लेंगे उनका नाम बता देते हैं। कुछ लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं लेकिन पूरी डिटेल नहीं भेजी है, जन्म की तारीख लिख दी, जन्म समय नहीं लिखा, जन्म स्थान नहीं लिखा। कुछ लोगों ने जन्म की तारीख और जन्म समय लिख दिया, जन्म स्थान लिखना भूल गए। तो कुंडली बनाने के लिए कंप्लीट डिटेल की आवश्यकता होती है, तो जिसमें कंप्लीट डिटेल नहीं है उनके सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिनकी डिटेल कंप्लीट है उनके सवाल अवश्य शामिल करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि सवाल किन का लेंगे। निशा अग्रवाल का सवाल लेंगे। निशा अग्रवाल जी ने पूरी डिटेल भेजी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, कुंडली में छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर, यदि इन घरों के स्वामी, मान लीजिए कि छठे घर का स्वामी कोई ग्रह है, शनि है, मंगल है, आठवें घर का कोई स्वामी है, इसी तरह बारहवें घर का स्वामी, तो छठे, आठवें और बारहवें घर के स्वामी यदि कुंडली में प्रबल स्थिति में हो, बहुत मजबूत स्थिति में हो, अपनी स्वराशि में बैठे हों, अपनी स्थिति मजबूत करके बैठे हों, तो ऐसे लोगों का धन जो है फंस जाता है, ऐसे लोगों का पैसा कहीं अटक जाता है। तो यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो आपको क्या सरल उपाय करना चाहिए वो बताते हैं। देखिए, ज़्यादा टेक्निकल कुंडली की बातें ना करके सरल उपाय आपको ये करना है कि क्या करना है कि आप हर शनिवार के दिन आपके घर के आसपास जो हनुमान मंदिर हो वहाँ जाइए, और हनुमान मंदिर में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वहाँ हनुमान मंदिर के अंदर जाएं तो ये पता कर लें कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो हनुमान मंदिर में जाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाइए। जब आप दीपक जला करके रखें तो आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। बस एक छोटी सी बात का आपको ख्याल रखना है। तो हर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपका धन फंसा हुआ है, आपका पैसा अटका हुआ है, तो वो प्राप्त कराने की कृपा करें। तो हनुमान जी से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, हम हमेशा कहते हैं। तो आप यदि हनुमान मंदिर में जा करके आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आइए, अब सवाल की बारी आ गई है, सवाल ले लेते हैं। निशा अग्रवाल जी ने भेजा है, राजीव अग्रवाल के बारे में जानना चाहती हैं, इनके हस्बैंड हैं, उनकी डिटेल हैं। तो आइए राजीव अग्रवाल जी की कुंडली बना लेते हैं। राजीव अग्रवाल जी की डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1979, समय है सुबह 3:15, और इनका जन्म स्थान इन्होंने लिखा है सोनीपत, हरियाणा। सवाल ये है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। निशा अग्रवाल जी ने अपने हस्बैंड राजीव अग्रवाल जी के बारे में पूछा है। देखिए निशा जी, जो आपने अपने हस्बैंड की डिटेल भेजी है राजीव अग्रवाल जी की, उसके आधार पर कुंडली बन करके तैयार है। इनकी तुला लग्न की कुंडली है और इनकी मिथुन राशि है। इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के तिथि चरण में हुआ है और इस समय बुध की महादशा चल रही है, जो मार्च 2004 से शुरू हुई है और मार्च 2021 तक रहेगी, और शनि की अंतरदशा चल रही है जो जुलाई 2018 से शुरू हुई है और मार्च 2021 तक रहेगी। इनकी कुंडली में बुध भाग्य स्थान का स्वामी है और शनि जो है इनकी कुंडली में चौथे घर का और पांचवें घर का स्वामी है। आपने बताया कि इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ये अपने भाग्य का रत्न पन्ना
कम से कम 11.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन धारण करें तो व्यापार में डिसीजन लेने की कैपेसिटी और बढ़ेगी, और ये अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे तो इनका बिजनेस भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, थोड़ा और मेहनत करें, प्लानिंग के साथ काम करें और पन्ना रत्न धारण करें तो आपको लाभ हो सकता है। जो लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दें, लेकिन जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिए, जिससे हम आपकी कुंडली बना करके अगले कार्यक्रम में उनका जवाब दे पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप।